स्थानीय अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण पुलिस को कई वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय फरार आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपी मनोज डोंगरे को छिंदवाड़ा के लोधीखेड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया है। जरीपटका में रहने वाले आरोपी मनोज लक्ष्मण डोंगरे की पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। पुलिस को 2 महीने पहले जानकारी मिली थी कि चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या का प्रयास जैसे कई मामलों में फरार कुख्यात आरोपी मनोज डोंगरे पाशिवनी अंतर्गत सालई गांव में रात के समय अपना डेरा जमाता है। इसके मुताबिक पुलिस ने गांव की पेंच नदी के किनारे साथ ही आसपास के इलाकों में जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी कई बार पुलिस के जाल से भाग जाता था। लेकिन पुलिस को आरोपी को किसी भी तरह पकड़ना था, इसलिए पुलिस गुप्त रूप से आरोपी का ठिकाना पता करी थी। इसी बीच आरोपी छिंदवाड़ा जिले के लोधीखेड़ा गांव में रहने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके पास स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अनिल जिट्टावा ने टीम को लोधीखेड़ा गांव पहुंचने के आदेश दिए और पुलिस ने लोधीखेड़ा गांव पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। पहले तो आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के दंडे पड़ते ही आरोपी ने अपनी असली पहचान बता दी। गिरफ्तार आरोपी पर जरीपटका, कोराडी, बाड़ी, कलमना, मौदा, कुही, भंडारा, चंद्रपुर, साथ ही बिलासपुर, दुर्ग और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इन पुलिस थानों में चोरी, लूटपाट, डकैती, हत्या का प्रयास, मारामारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। कई दिनों से पुलिस इस फरार आरोपी की तलाश में थी और अब अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनबीसीएन न्यूज के लिए एकता गैरवार की रिपोर्ट।